म्यूचुअल फंड में डिविडेंड एक ऐसा ऑप्शन होता है जिसमें कि आपको कितना अमाउंट मिलेगा, कब मिलेगा, इस बात की कोई श्योरिटी नहीं होती है। लेकिन SWP म्यूचुअल फंड का एक ऐसा प्लान है जिसमें कि आप खुद डिसाइड करते हैं कि आपको कितना अमाउंट चाहिए, कब से चाहिए और कब तक चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम SWP प्लान यानी कि सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से चैनल पर स्वागत करता हूँ। तो सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के लिए कौन से म्यूचुअल फंड बेस्ट हो सकते हैं, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। आइए समझते हैं कि SWP क्या होता है। नाम से जैसा कि आपको दिख रहा है, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग आप किसी फंड में पैसे को इन्वेस्ट करके वहां से एवरी मंथ, क्वार्टरली या हाफ ईयरली आप पैसे को विड्रॉ करते हो। तो दोस्तों, आप जब SWP सेटअप करते हैं म्यूचुअल फंड में, तो आपने जो भी अमाउंट वहां पे एंटर किया है और आपको वो अमाउंट कब से चाहिए, क्या आपको हर महीने चाहिए या हर 3 महीने पे चाहिए, जैसा आप सेटअप करते हैं वो महीना जैसे ही कंप्लीट होता है आपके बैंक अकाउंट में उतना अमाउंट क्रेडिट हो जाता है। अब दोस्तों, यहाँ पर जो SWP प्लान है इसके लिए आपको 3 चीज़ें हमेशा पहले से प्लान कर लेनी होती है। नंबर 1 कि आपको कितना अमाउंट SWP के थ्रू विड्रॉ करना है और कब से विड्रॉ करना है और कब तक आपको विड्रॉ करना है। अब जैसे कुछ लोगों का जो है टाइम पीरियड होता है कि मुझे 1 साल तक विड्रॉ करना है, मुझे 5 साल तक करना है, मुझे 10 साल तक करना है, तो आपकी टाइम आपको पता होनी चाहिए। दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ पे कि SWP प्लान किसके लिए सुटेबल होता है। तो नॉर्मली जो लोग रिटायर हो जाते हैं ना, उनके लिए SWP प्लान काफ़ी बेस्ट होता है। अब जब आप जॉब कर रहे होते हैं तो उस टाइम आपको मंथली सैलरी मिलती रहती है, तो आप उसमें से अपने घर का खर्च वगैरह मैनेज करते हैं, सेविंग भी करते हैं। लेकिन रिटायरमेंट के बाद आपको एक अच्छा खासा रकम मिलता है, तो कोई व्यक्ति नहीं चाहता है कि वो जो सेविंग उसने रिटायरमेंट के टाइम पे इकट्ठा किए उससे वो घर का खर्च चलाए। उस खर्च को मैनेज करने के लिए आपको हर महीने कुछ ना कुछ तो अमाउंट चाहिए, जिसके लिए कि आप SWP को सेटअप करते हैं और आपको ये हर महीने उतना इनकम देता है। सेकेंड, वो लोग हैं जिनके लिए SWP अच्छा होता है जिनके पास कहीं से लमसम अमाउंट यानी इकट्ठा पैसा आ चुका है और वो लोग इसको एक जगह इन्वेस्ट करके वहां से मंथली इनकम विड्रॉ करते हैं और उसको इन्वेस्टमेंट करते हैं। मतलब म्यूचुअल फंड में आपको पता है SIP भी एक ऑप्शन होता है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। उसके लिए वो अलग से पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते बल्कि उसी SWP से जो उनको इनकम हर महीने हो रही है उसको क्या करते हैं, SIP लगा देते हैं। वहां से भी रिटर्न वो जनरेट करते रहते हैं और SWP से भी इनकम जनरेट करते हैं। आपने SWP के बारे में समझ लिया, आपको 3 चीज़ें हमेशा रिक्वायर्ड है, कितना अमाउंट आपको चाहिए आपको खुद डिसाइड करना है, कब से चाहिए आपको डिसाइड करना है, कितने टाइम तक आपको चाहिए आपको डिसाइड करना। तो इसको डिसाइड करने के बाद अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आपको अपने रिस्क प्रोफाइल और दूसरा है कि आपको अपनी टाइमिंग पता होनी चाहिए। टाइम होराइजन की पहले बात करते हैं। एक नॉर्मल इन्वेस्टर्स की टाइम होराइजन कुछ इसी बीच में ही आती है। तो टाइम होराइजन में एक तो होता है कि शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट और दूसरा होता है मीडियम टर्म और तीसरा होता है लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट। तो शॉर्ट टर्म में मैक्सिमम 3 ईयर्स तक के जो टाइमिंग होते हैं वो शॉर्ट टर्म में कवर होते हैं। तो इसको आप 2 पार्ट में कर सकते हैं, एक तो 1 ईयर के लिए, दूसरा 1 to 3 ईयर्स के लिए। मीडियम टर्म की दोस्तों बात करें तो 10 ईयर्स तक का जो टाइमिंग है वो मीडियम टर्म में आता है, इसको भी आप 2 पार्ट में कर सकते हैं, 3 to 5 ईयर्स और 5 to 10 ईयर्स। लॉन्ग टर्म की बात करें तो 10 ईयर्स या उससे ज्यादा का जो पीरियड होता है उसको लॉन्ग टर्म में कंसिडर किया जाता है। तो सबसे पहले शॉर्ट टर्म की हम बात करेंगे। शॉर्ट टर्म में मान लीजिए कि आप 1 साल के लिए SWP करना चाहते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि आपको 6 महीना तक ही केवल SWP करना है, तो 6 मंथ्स के लिए आप लिक्विड फंड को आप कंसीडर कर सकते हैं और जो नेक्स्ट 6 मंथ्स है इसके लिए आप अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेप्ट फंड को कंसीडर कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर रिस्क प्रोफाइल इंपॉर्टेंट होती है। तो ये जो भी फंड होते हैं बिल्कुल ही इसमें रिस्क ना के बराबर होता है, मतलब 0 रिस्क होता है। यदि आप लिक्विड फंड में पैसे को रखते हैं तो ये आपका पैसा ऐसे बॉन्ड में इन्वेस्ट किया जाता है जो कि 91 डेज में मैच्योर हो जाते हैं। और अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेप्ट फंड भी कुछ उसी तरीके से होता है,
बिल्कुल जीरो रिस्क के साथ ये फंड आते हैं। तो यदि आपका वन ईयर का टाइम होराइजन है और बिल्कुल ही जीरो रिस्क है आपकी, तो आप इन दोनों फंड्स को कंसीडर कर सकते हैं SWP के लिए। यहाँ पे हमने कुछ लिक्विड फंड को सेलेक्ट किया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं बेंचमार्क से कंपेरिजन किया गया है 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर और 10 ईयर्स टाइम फ्रेम में। और ये भी डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के ये सारे लिक्विड फंड है जिसको कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ऐसे 3 लिक्विड फंड्स आप देख सकते हैं, इनकी परफॉर्मेंस आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो लिक्विड फंड में जो रिटर्न्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जीरो रिस्क होती है, इसलिए रिटर्न्स भी आपको आप यहाँ पे देख सकते हैं, 1 ईयर के रिटर्न्स, 3 ईयर्स के रिटर्न्स और 5 ईयर्स और 10 ईयर्स के रिटर्न। यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए, यदि आप लिक्विड फंड में जीरो रिस्क के साथ आप इन्वेस्टेड रहते हैं, SWP आप करते जाते हैं, तो आपको अराउंड 6.8% के आसपास का रिटर्न्स आप यहां से जनरेट कर सकते हैं। और बेंचमार्क के रिटर्न्स आप देख सकते हैं कि बेंचमार्क से ये सारे फंड ने बेहतर रिटर्न्स निकाल करके दिया हुआ है, अलग अलग टाइम फ्रेम में, 1 ईयर हो, 3 ईयर हो, 5 ईयर्स या 10 ईयर्स। ये 3 लिक्विड फंड्स को आप देख सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। अब अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड में आपको थोड़े से रिटर्न्स लिक्विड फंड के मुकाबले आपको ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन रिस्क भी यहाँ पर लिक्विड फंड की जितनी होती है, बहुत लो रिस्क के साथ ही भी फंड आपको आते हैं। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कुछ फंड हमने यहाँ पे पिक किया हुआ है और इसके भी रिटर्न्स आप देख सकते हैं 1 ईयर, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स और 10 ईयर्स। बेंचमार्क से ये सारे फंड ने अलग अलग टाइम फ्रेम्स में अच्छे रिटर्न्स निकाल के दिए हुए हैं। तो दोस्तों यदि आपका लेट सपोज कि आपका 1 ईयर का यदि टाइम फ्रेम है, तो आप अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड के साथ भी पूरे 1 साल आप उसमें इन्वेस्टमेंट करके आप SWP कर सकते हैं। जैसे आप 1 साल के बाद और 3 साल तक आप अपनी SWP करना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट करके, तो इसके लिए क्या फंड्स आपके लिए सुटेबल हो सकते हैं? तो देखिए, यदि आप 1 साल के ऊपर जा रहे हैं और आपका रिस्क प्रोफाइल बिल्कुल ही लो है, तो उस केस में आप शॉर्ट टर्म डेप्ट फंड को कंसिडर कर सकते हैं। अब शॉर्ट टर्म डेप्ट फंड में भी आपको रिस्क बहुत कम होती है और रिटर्न जो होते हैं थोड़ा सा आपको अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेप्ट फंड से थोड़े से रिटर्न्स यहाँ पे ज्यादा मिल जाते हैं। अब कुछ लोग ये होते हैं कि 1 से लेकर 3 ईयर्स तक का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, SWP करना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा रिस्क लेके करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा वो एक्सपोजर अपना इक्विटी में बढ़ाना चाहते हैं। तो यदि आपकी कुछ ऐसी प्लानिंग है, तो आप एक कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड के साथ आप जा सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म डेप्ट फंड में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर बेंचमार्क के सारे रिटर्न्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं और ये सारे फंड जो यहाँ पे हमने नोट डाउन किए हुए हैं, इन सारे फंड्स ने अपने बेंचमार्क से बेहतर रिटर्न्स निकाल के दिए हुए हैं। तो शॉर्ट टर्म डेप्ट फंड में जो रिटर्न्स होते हैं वो एज कंपेयर टू अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेप्ट फंड से ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 ईयर के रिटर्न्स, 3 ईयर्स के और 5 ईयर्स और 10 ईयर्स के रिटर्न्स, और ये सारे फंड्स ने अपने बेंचमार्क को बीट करके रिटर्न्स दिए हुए हैं। कि जो भी टाइम होराइजन्स है उसके अकॉर्डिंग आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट 6 मंथ्स के लिए लिक्विड फंड में डाल सकते हैं, उसके बाद नेक्स्ट 6 मंथ के लिए अल्ट्रा डेप्ट फंड में डाल सकते हैं। लेकिन आपके टाइम होराइजन यदि 1 से लेकर 3 ईयर्स के बीच में है, या फिर आप लॉन्ग टर्म के लिए ही आप बिल्कुल जीरो रिस्क के साथ आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते आते हैं और आप इस तरीके का रिटर्न्स आप जनरेट करना चाहते हैं, SWP के थ्रू विड्रॉ करना चाहते हैं, तो फिर आप शॉर्ट टर्म डेप्ट को भी कंसीडर कर सकते हैं। इसका नेक्स्ट था जो कि थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, इक्विटी में एक्सपोजर ले सकते हैं, दोस्तों ऐसे लोग कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड के साथ जा सकते हैं। यदि कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड को भी आप देखेंगे, तो यहाँ पर एक चीज़ आप समझ लीजिए कि यहाँ पर जो रिस्क आप ले रहे हैं, मतलब आपका जो थोड़ा सा पैसा है, अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर 25% के अराउंड जो पैसा होता है वो इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाता है और रिमेनिंग जो है 75-78% के आसपास डेप्ट में इन्वेस्ट किया जाता है। तो यहां भी रिस्क जो होती है आपकी, थोड़ी सी रिस्क यहां पे बढ़ जाती है, बिल्कुल जीरो नहीं होते, थोड़ी सी रिस्क यहाँ पे बढ़ जाती है, क्योंकि आपको अल्टीमेटली आप रिस्क ले रहे हैं तो आपको रिटर्न्स भी ज़्यादा चाहिए, इसलिए आप क्या कर रहे हैं, कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड के साथ आप जा रहे हैं। तो कंजर्वेटिव में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ फंड्स को हमने नोट डाउन किया हुआ है, ठीक है, और ये सारे अच्छे फंड्स हैं और इनके AUM भी काफ़ी अच्छे खासे हैं, और जो भी फंड्स अभी आपने देखे थे उनके भी AUM बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ पे 1 ईयर, 3 ईयर्स और 5 और 10 ईयर्स के रिटर्न्स आप यहाँ भी देख सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन फंड्स हैं उनसे रिटर्न्स आपके यहाँ थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं। 10 ईयर्स टाइम होराइजन में भी आप देख सकते हैं कि जो शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन फंड्स हैं उससे रिटर्न्स आपको यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलते हैं।
आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि यदि आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है तो आप फिर इक्विटी में बिल्कुल इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करना। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, आपकी टाइम होराइजन चाहे कुछ भी हो दोस्तों, आप 3 साल के लिए, 5 साल या 10 साल के लिए भी आप करें, लेकिन आप बिल्कुल जीरो रिस्क के साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फिर आपको इक्विटी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। यदि आप 3 से 5 साल के पीरियड में आप जाते हैं, आपकी टाइमिंग जो है 3 से 5 साल की है और आप यहाँ पर रिस्क थोड़ा सा ज्यादा लेना चाहते हैं, आपको रिटर्न्स अच्छा खासा चाहिए, तो फिर उस केस में जो फंड्स हो जाते हैं थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं, फिर वहां पर आप एग्रेसिव हाइब्रिड फंड के साथ आप जा सकते हैं, बैलेंस एडवांटेज फंड के साथ आप जा सकते हैं। ऐसी दो कैटेगरी होती है 3 से 5 साल के लिए, ठीक है, क्योंकि वहां पर आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट होती है उसका ज्यादातर पोर्शन आपका इक्विटी में इन्वेस्ट होता है, इसलिए रिटर्न्स भी आपको ज्यादा निकल के वहां पे दिखते हैं। तो चलिए देखते हैं कि 3 से 5 साल के लिए ऐसे कौन से फंड हो सकते हैं जिसमें कि हम SWP अपना कर सकते हैं। एग्रेसिव हाइब्रिड फंड में जैसा कि नाम से आपको दिख रहा है, एग्रेसिव मतलब ऐसे लोग जिनके रिस्क प्रोफाइल थोड़ी सी एग्रेसिव है, इक्विटी में वो ज्यादा एक्सपोजर लेना चाहते हैं और 3 से 5 साल का टाइम उनका है, तो आप ऐसे फंड को कंसीडर कर सकते हैं। यहां पर भी आपको ये दिखेगा कि आपका ज्यादातर जो पोर्शन होता है वो इक्विटी में इन्वेस्टेड होता है और बाकी डेब्ट में इन्वेस्टेड होता है। तो यहाँ पे भी कुछ फंड्स को यहाँ पे हमने पिक किया हुआ है, आप देख सकते हैं, और 1 ईयर के रिटर्न, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स और 10 ईयर्स के रिटर्न यहाँ पे आपके सामने हैं। और रिटर्न आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड है उनसे ज्यादा रिटर्न आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, क्योंकि आपका जो है अब इक्विटी में ज्यादातर इन्वेस्टमेंट होता है। तो यदि आप एग्रेसिव हाइब्रिड फंड के अलावा बैलेंस एडवांटेज फंड में आप जाते हैं तो वहां पर भी आपको इक्विटी में एक्सपोजर ज्यादा देखने को मिलता है, लेकिन फंड मैनेजर को वहां पर मार्केट कंडीशन अनुसार वो फंड को इधर उधर शिफ्ट करते रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो सबसे पहला जो फंड है वो है SBI का इक्विटी हाइब्रिड फंड, और यहाँ पे देखा जाए तो ये पिछले अपने 3 टाइम होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को ये बीट नहीं कर पाया है, इसलिए हमने इसको रेट से मार्क किया हुआ है। 1 ईयर में 20.09 का रिटर्न इसने दिया, बेंचमार्क का 21.08 है, ऐसे ही आप देख सकते हैं। तो एटलीस्ट 3 टाइम होराइजन्स में बेंचमार्क को बीट करना चाहिए, बाकी ये फंड्स अपने मैक्सिमम टाइम होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को बीट किए हुए हैं। अब जिनका मीडियम टू लॉन्ग टर्म का टाइम होराइजन्स है, जैसे कि आपने देखा कि 5 to 10 ईयर्स का टाइम होराइजन है या फिर 10 से ऊपर का टाइम होराइजन है, तो उसमें कौन से फंड सुटेबल होंगे SWP के लिए, तो ये सारे फंड सुटेबल होंगे दोस्तों SWP के लिए। ये डिपेंड करता है आपकी रिस्क प्रोफाइल के ऊपर, यदि आपकी रिस्क, आप बहुत ज़्यादा रिस्क लेने के लिए आप रेडी हैं तो आपका टाइम पीरियड भी 10 साल के ऊपर के, आपको 10 साल के बाद SWP करना है, सेटअप करना है, तो फिर आप मिड कैप स्मॉल कैप के साथ आप जा सकते हैं। और यदि आपको आपका टाइम पीरियड लंबा है लेकिन आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो फिर आप इन फंड्स के साथ आप जा सकते हैं। यहां पर आप अपनी प्लानिंग जरूर करें, जैसे लिक्विड फंड में कुछ पैसे को आप इन्वेस्ट कर दें, एक आग फंड ले लें, इसके बाद अगले नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए आप अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में कुछ अमाउंट को इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है, उसके बाद आप जो है नेक्स्ट शॉर्ट ड्यूरेशन फंड में भी आप कर सकते हैं। तो जैसी टाइम आपकी होगी उसके अकॉर्डिंग आपको पैसा इन्वेस्टमेंट करना होगा, उसके बाद SWP आपको सेटअप करना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी लोगों को पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।